हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, टॉप करंट अफेयर्स के क्विज़ लेके आपके लिए आया हूँ। डेली अब आएगा 6 मार्च 2020 आपके सामने दिख रहा है, और ये डेली आपको करंट अफेयर एनालिसिस के फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ साथ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखना होगा कि तरुण तिवारी रेफरल कोड है मेरा, अकेडमी पे भी क्लासेस हो रही हैं, जिस पे आपको लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स की भी क्लासेस, वीकली क्विज वगैरह, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप अच्छे तरीके से अपने लाइफ में सक्सेस हों, सारे एग्जाम को क्रैक करें और अच्छी से अच्छी जगह पहुँचें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आपके, और ये आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है बताइए। इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, स्वीडन, दिमाग में आपके आ चुका होगा। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्विट्जरलैंड इज द 100% राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपके सामने यही है कि इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है और जगह का नाम है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है, विच टीम ऑन द गोल्ड इन द केपीआईटी स्पार्कल 2020। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आईआईटी खड़गपुर, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, आईआईटी गुवाहाटी। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। के पी आई टी अनाउंस द विनर ऑफ के पी आई टी स्पार्कल 2020 ऑन 4th of March। इसमें 5 लाख की कैश प्राइज दी गई है। सारे एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन इसीलिए ऐड कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके चर्चा करेंगे तो दिमाग में हमारे बनी रहेगी, भूलेगी नहीं। क्योंकि हम अगर हम क्वेश्चन और उसके राइट आंसर, क्वेश्चन राइट आंसर बता देंगे तो स्किप हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो हज़ारों सैकड़ों क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं तो स्किप हो जाती है। तो ये अगर हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में बनी रहेगी, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आए हम तुरंत बता सकते हैं, किसी से चर्चा भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ और आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताइए व्हेन वाज द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टेब्लिश हुआ, कब हुआ। देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन एंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1894 इज द राइट आंसर। अक्सर एग्ज़ाम पूछा जाता है, कई सारे BCS के एग्ज़ाम्स वनडे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, 1894 में 23 जून को इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में सिंडिकेट बैंक वॉज अमलगमेटेड इन टू। देर आर 4 ऑप्शंस, कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद, कैनरा बैंक। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कैनरा बैंक इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो यूनियन कैबिनेट लेड बाय PM मोदी अप्रूव द कंसोलिडेशन ऑफ 10 बैंक्स, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू 4, अमंग दो सिंडिकेट बैंक वॉज अमलगमेटेड इनटू कैनरा बैंक। ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है, इस टू हुज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023, कौन होस्ट करने वाला है। देर आर 4 ऑप्शन, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु। आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, मेरे दिमाग में तो आंसर आ ही है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मुंबई इज टू होस्ट द IOC सेशन इन 2023 एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देख लेते हैं, मुंबई विल बी होस्टिंग द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023। द अनाउंसमेंट वॉज पास बाई IOC प्रेसिडेंट थॉमस बैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्रिएटेड ए कमेटी टू एग्जामिन एंड रिकमेंड CFR गाइडलाइन अंडर FRA, व्हिच विल बी हेडेड, कौन हेड करने वाला है, कौन हेड करेगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NC सक्सेना साहब इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप उसके बारे में
सारी जानकारी ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और यह कह रहा है, व्हेन वाज द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने, 2000, 2004, 2009, 2015। दिमाग में आपके आ चुका होगा टी, बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने सोचा डी इज द 100% राइट आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑन योर स्क्रीन। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इज सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ध्यान में रखिएगा 1860 के अंतर्गत हुआ है, जो कि इस्टेब्लिश 2015 में। सारी चीज़ें यहाँ पे सामने हैं, क्या एक तरीके की इसके सामने आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा आपसे, विच स्टेट लॉन्च स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, किसने किया है। चार ऑप्शन आपके सामने, तुरंत आपके दिमाग में आ चुका होगा जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने सोचा और इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। जम्मू भवन में इसका अब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन का, सॉरी फॉर दैट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम इन जम्मू ऑन 5th of March, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है कि APEDA साइंड MOU विथ किसके साथ टू इम्प्लीमेंट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। देर आर फोर ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, या सारे के सारे सही है, बिल्कुल सही जवाब, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यानी CFR गाइडलाइंस वॉज फॉर्मड अंडर विच एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 1997, 1998, 2003, 2006। मेरे दिमाग में तो राइट आंसर आ चुका है, आपके दिमाग में आ चुका होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इज द 100% राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन इज ऑन स्क्रीन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स री इंट्रोड्यूस द मॉडल गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सारी चीजें आपके सामने हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है आपसे, हु ऑर्गेनाइज द प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020, 2020 का प्रज्ञान कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया। तो आपके सामने चार ऑप्शन, सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, किसने किया। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज, द 100% राइट आंसर, आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिए और सारी जानकारी को संभाल लीजिए अपने अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपसे पूछ रहा, हु ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप ऑन इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशियंसी इन इंडस्ट्रीज, किसने ऑर्गेनाइज किया। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नेशनल वाटर मिशन इज द 100% राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा इसका, सारी जानकारी ले लेंगे, एक्सप्लेनेशन में कोई चीज ऐड नहीं, लेकिन नेशनल वाटर मिशन इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या था, आ चुका था पहले ही, वेयर वाज द प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 हेल्ड, जिसने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा होगा वो सही जवाब बताएगा, और बिल्कुल सही जवाब न्यू दिल्ली इज द 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका बिल्कुल सही जवाब, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 कमेंस ऑन 4th March 2020 एट मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली, इट विल बी हेल्ड इन ऑन 4th and 5th March। द टू डे इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द लैंड वेलफेयर स्टडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये पूछा जा रहा है कि हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल कौन है, सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए, दिमाग में आप सबके आ चुका होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, स्मिथ नकेल्डला, एम सहीदुल इस्लाम, सुलीरना, या अरुण लेविस। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सहीदुल इस्लाम इज द राइट आंसर, एम सहीदुल इस्लाम। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने सोचा और बताया होगा, राइट आंसर का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये पूछ रहा है कि वेयर वाज द 20th सेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड, कहाँ पे हुआ, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज श्रीलंका इज द राइट आंसर।
The 20th session of the senior official meeting was held in Colombo, जो कि श्रीलंका में है. 3 मार्च को हुआ. The meeting was chaired by the Sri Lankan Foreign Secretary Ravindra Aryasinha. ठीक है, Aryasinha. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है विच कंट्री इज टू लीड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर इन बिम्स्टेक. कौन लीड करता है? तो थोड़ा बहुत आपके पास अगर दिमाग हो तो आइडिया आप लगाए रहे होंगे पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से. द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज श्रीलंका. चलिए, वेरी गुड, श्रीलंका इज द राइट आंसर. यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, आपकी स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख लीजिएगा. मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई श्रीलंकन फॉरेन सेक्रेटरी. अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें सारी चीज़ें आपके सामने. टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेक्टर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर आपके बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी है, ध्यान में रखिएगा. एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं अक्सर. अगला क्वेश्चन चलते हैं, सामने आएगा आपके सामने और पूछ लिया आपसे कि इसरो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करेगा. तो एग्जाम में अगर आता है 4 ऑप्शंस आपके सामने, होप आपको आंसर आ चुका होगा आपके दिमाग में. और राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2021 में. चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले. द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट इसरो चंद्रयान 3 वुड बी लॉन्च इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021. अ स्लाइट डिले माइट हैपन इन द लॉन्चिंग ऑफ द थर्ड मून मिशन. आगे बढ़ा जाए. चलिए, स्क्रीन पे आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है. विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एमओयू टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेट ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन मार्च 2021. देर आर 4 ऑप्शंस. 4 आपके सामने देश हैं, कैमरून, घाना, कोटे डिवेरे एंड बुर्किना फासो. 2-3 नाम इधर उधर हैं. द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन ऑफ कोटे डिवेर. द एमओयू वॉज एम टू इन्हांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. दे मे वी बिल रेगुलेट ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. इसके बारे में सारी जानकारी हम जान चुके हैं कुंडली पूरा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. पूछ रहा है लग्जमबर्ग इज लोकेटेड इन. कहाँ पे लोकेटेड है? 4 ऑप्शन दे रहा है. सेंट्रल एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका. तो तुरंत आप बताएंगे यूरोप में स्थित है. बिल्कुल सही, सेंट्रल यूरोप में स्थित है. और इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने. द कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर विद बेल्जियम टू द वेस्ट एंड नॉर्थ जर्मनी टू द ईस्ट एंड फ्रांस टू द साउथ. चलिए अगला क्वेश्चन. द अमेंडमेंट टू द FDI पॉलिसी विल एनेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई NRI इनटू एयर इंडिया अप टू हाउ मच परसेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट. तो द राइट आंसर 49 है, 51 है, 75 है, 100% है. तो क्या लगाएंगे आप लोग? 100% इज द राइट आंसर. वेरी गुड. तो द अमेंडमेंट्स टू द FDI पॉलिसी विल एनेबल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई NRI इनटू एयर इंडिया अप टू 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द करेंसी ऑफ लग्जमबर्ग? पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम्स में आपके सामने. क्या है लग्जमबर्ग की करेंसी? यूरो इज द करेंसी ऑफ द लग्जमबर्ग. अभी जल्दी मैंने करेंसी और कैपिटल वाले में चर्चा में सारी क्वेश्चंस का हमने चर्चा भी किया था, वहां से आपको ये आंसर पता चल चुका अगर अच्छे से आपने वीडियो देखा होगा. नहीं देखा होगा तो आप जाके वो वीडियो हमारी देख सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. उसी के बारे में दिया हुआ है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन. देख लीजिएगा अच्छे से. अगला क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन आपसे कर रहा है द कंपनीज बिल 2019 विल मेक हाउ मच चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट. कितने चेंजेस हुए हैं? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 72 चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट. वाओ, गुड. चलिए देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं. द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द कंपनीज बिल 2019 ऑन 4th March. द बिल विल अमेंड द कंपनीज एक्ट 2013. द बिल विल मेक 72 चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट. ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. पूछ रहा है हु इज द किंग ऑफ लग्जमबर्ग? लग्जमबर्ग के किंग का क्या नाम है? हेनरी फ्लैक्स लुईस ग्लेन. द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हेनरी साहब इज द किंग ऑफ लग्जमबर्ग. वेरी गुड. चलिए, कब से हैं? 7 अक्टूबर 2000. हेनरी इज द ग्रैंड ड्यूक ऑफ लग्जमबर्ग रिजाइनिंग सिंस 7 अक्टूबर 2000. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. द कंपनीज बिल 2019 बिल अमेंड द
There are four options and the right answer of the question is Companies Act 2013. ठीक है ना, ध्यान में रखिए, द कंपनीज बिल 2001 विल अमेंड द कंपनीज एक्ट 2013 इज द राइट आंसर. इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है. नरेंद्र मोदी अप्रूव द कंपनीज बिल 2019 4 मार्च को किया. द बिल विल बी अमेंड द कंपनीज एक्ट 2013. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. आंध्रा बैंक पूछ रहा, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक वर अमलगमेटेड इन टू, किसमें हुए हैं? इलाहाबाद बैंक, इंडिया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एंड द एक्सप्लेनेशन इज आपके सामने दिया गया है. द यूनियन बैंक लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कंसोलिडेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक, आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक इन टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. तो ये सारे आपके सामने क्वेश्चन थे. अब हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से जाके देख लेना है, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कर सकें. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अच्छे तरीके से एक अच्छे फुल फॉर्म में कोर्सेज लेके मैं आ रहा हूँ. डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस भी आएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉल साइंस के भी अच्छे तरीके से मैं करने वाला हूँ. जीएस का भी पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. बस अच्छे से आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहिए. 20% हमारा एफर्ट है, 80% आपका एफर्ट है. सो सारी मेहनत आपको ही करनी होगी. बस मैं आप लोगों के साथ हूँ, अच्छे तरीके से करता रहूँगा मेहनत, और हम सब आगे सक्सेस होते रहेंगे. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.